जय हिंद दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर सेफ इंडिया विधरुण में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने अभी तक यूपीएसआई 2021 की जो भर्ती के वीडियोस निकाले थे, बनाए थे आप लोगों के लिए, तो उसमें बहुत सारे भाइयों ने मेडिकल से संबंधित या अन्य चीजों से संबंधित क्वेश्चन पूछे, तो क्वेश्चन में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके आंसर दे नहीं मिलता है, तो आपको मैं आज वही क्वेश्चन को वीडियो के थ्रू आपके सामने लाने वाला हूं। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके अगला क्वेश्चन आप ही का हो, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरे भाई ने कहा था, एक पूछा था कि चश्मा लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी मेडिकल में, तो मैं ये आपसे कह रहा हूं कि दोस्त, जब तक आप अपनी लाइफ को किसी डिवाइस के साथ, अगर आप अपनी लाइफ को जी रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपके अंदर कोई वीकनेस जरूर है। जैसे कि कान की मशीन आप ले लीजिए, हाथ में कोई रॉड पड़ा है या पैर में कोई रॉड पड़ा है, या जो है चश्मा लगाए हैं, लेंस लगाए हैं, इस चीज को लेके आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और उसमें कितना माइनर है या मेजर है ये डॉक्टर ही सिलेक्ट करेंगे कि आपके अंदर प्रॉब्लम क्या है, उस आंख में, कान में, नाक में जो भी प्रॉब्लम आती है। जो लेंस लगाते हैं उसको तो डॉक्टर आंख में चश्मा लगा के देख लेते हैं तुरंत, जैसे ही टॉर्च मारेंगे वो पता चल जाता है, और या वो वैसे ही जान जाते हैं। एक होता है लेजर की सर्जरी होती है, लेजर सर्जरी में आपके जो लेंस होते हैं वो निकाल दिए जाते हैं और आप उसका चश्मा हट जाता है, उससे आपका चश्मा नहीं लगेगा। हालांकि लेजर सर्जरी होती है, उससे आपका चश्मा हट जाएगा, तो आप के मैं ये नहीं कहूंगा कि आप उस समय जो है मतलब अपनी आपकी आईसाइट के बारे में, आपकी आईसाइट सही हो जाएगी, चश्मा हट जाएगा, लेकिन उसमें क्या कंडीशन आएगी बाद में वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि डॉक्टर्स क्या कहते हैं। ठीक है, एक लोग कह रहे थे कि मैं हकलाता हूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी मेडिकल में, तो मैं आपसे कह दूं कि जो लोग हकलाते हैं, जो लोग आवाज अटक अटक के जिनकी निकलती है, तो मैं उनके लिए बता दूं कि देखो दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जो नॉर्मल बात करते हैं, नॉर्मली बोल लेते हैं, लेकिन जब स्टेज पे आते हैं या किसी के सामने उनको बोलना पड़ता है तो वो हकलाने लगते हैं या हिचकिचाने लगते हैं, तो इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस की कमी को। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस की पूरी पूरी कमी होती है तब आप हिकलाना शुरू कर देते हैं, तो मेरे हिसाब से ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आराम से इसमें जो है आप लोग निकल जाएंगे। तो इस चीज से आप शीशे के सामने अपने आप को बोलिए, आप कैसे भी आप अपनी प्रैक्टिस करिए बोलने की, तेज से बोलिए, किताब पढ़ के बोलिए, आप जैसे भी बोलना चाहे बोलिए। अगर आप किताब पढ़ते समय हिकलाते हैं तब तो मेजर प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप किताब पढ़ते समय भी अगर आप हिकलाते नहीं है तो आपके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी के सामने जा रहे हैं तब आपको दिक्कत हो रही है, तो इसका मतलब है कि कोई प्रॉब्लम है। तो आप जो है पहली बात तो अपनी बोलने की प्रैक्टिस को जारी रखिए और अच्छे से बोलिए, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। एक जेंट्स ने पूछा था, मेरे दोस्त ने, भाई ने, कि सर मुझे हाइड्रोसील है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? तो मैं आपसे बता दूं कि मेडिकल में हाइड्रोसील की प्रॉब्लम आती है तो जो ऐसी बीमारी कि जो 15 दिनों के अंदर जो ठीक हो जाए, ऐसी बीमारी के लिए डॉक्टर आपको एक एप्लीकेशन मांगेंगे आपसे, आप एक एप्लीकेशन दीजिए, वो 15 दिन के अंदर वो आपको समय मिल जाएगा, उसका इलाज करवा लीजिए, ऑपरेशन के थ्रू उसको सही करवा के आप फिट हो जाइए, उसके बाद आप अपना मेडिकल फिर से दे सकते हैं, तो ये कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। वो हाइड्रोसील इसलिए प्रॉब्लम होती है, दौड़ने में दर्द होता है, प्रॉब्लम होती है, पेट में दर्द होता है, कहीं कुछ, तो ये छोटी छोटी दिक्कतें हैं, तो ये ठीक होने वाली बीमारी है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। एक ने कहा था कि री मेडिकल का टाइम कितना मिलता है? री मेडिकल का टाइम आपको मिलता है 15 दिन का, 15 दिन में आप अपनी एप्लीकेशन में 15 दिवस ही लिखेंगे और डॉक्टर उसी को रेकमेंड करेगा। आप अपने किसी भी डॉक्टर से उसको दिखवा लीजिए, आप ठीक हो जाए, उसको फिर आप अप्लाई कर दीजिए कि हाँ डॉक्टर साहब मैं सही हो गया हूँ, मेरा मेडिकल ले लिया जाए, तो आपका मेडिकल ले लिया जाएगा और आप फिट हो जाएंगे।
कोई दिक्कत नहीं है। एक लोग बोल रहे थे उंगली कटी हुई है या नाखून निकल गया है, तो ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। उंगली का नाखून कटना, जैसे उंगली का कोई नाखून निकल जाता है तो ये एक छोटी सी बात है, क्योंकि नाखून दोबारा उगने की उम्मीद होती है, और अगर उंगली कट जाती तो उंगली दोबारा से बड़ी नहीं हो सकती है, उतनी ही बड़ी रहेगी। इसलिए उंगली का नाखून अगर निकल गया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, अगर आपकी उंगली कट गई है कहीं से तो, और उससे लगता है कि आप कोई भी क्रोलिंग या किसी भी वेपन को उठाने में चलने में आपको दिक्कत होगी, तो उस चीज से आप अनफिट कर दिए जाएंगे उंगली के कटने पे। आपकी राइट हैंड की उंगलियां सारी सही होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड की भी मतलब लगभग सही होनी चाहिए, ज्यादा मतलब ज्यादा मेजर प्रॉब्लम ना हो, इस बात को मैं कहूंगा। एक लोगों ने कहा था कि पुलिस वेरिफिकेशन क्या होता है। पुलिस वेरिफिकेशन ये होता है, जैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं तो इसी तरीके से पुलिस वेरिफिकेशन होता है। आप डॉक्यूमेंट्स को अपना चेक करवाते हैं, उसको डिटेल देते हैं कि हाँ मेरे सारे कागज जो है लीगल है अनलीगल नहीं है। तो इसी तरीके से पुलिस वेरिफिकेशन ये होता है कि जब आपकी ज्वाइनिंग होनी होती, उससे पहले आपके जहां आपका घर पड़ता है वहां का थाना क्षेत्र जो होता है वहां पे एक लेटर जाता है, और आपकी पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जो एरिया इंस्पेक्टर आपके होते हैं या सब इंस्पेक्टर होते हैं तो वो वहां पे आपके बारे में जानकारी लेंगे, आपके व्यवहार के बारे में, आचरण आपका कैसा है इस बारे में लोग पूछेंगे। वहां पे आपका रजिस्टर, अपराध रजिस्टर देखा जाएगा, उसमें आपका नाम तो कहीं अंकित नहीं है, आपके ऊपर कोई धारा तो नहीं लगाई गई है। अगर लगी भी है कोई धारा और आप उसमें बाइज्जत बरी हो चुके हैं तब कोई दिक्कत नहीं आती है, कि आपका कोई क्राइम मतलब क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका कोई नहीं होना चाहिए। ये होता है पुलिस वेरिफिकेशन। अगला था कि सर मेरे पैर जो होते हैं वो मुड़े हुए हैं, मेडिकल में क्या होगा। देखिए, पैर तीन तरीके से मतलब एक होता है नॉर्मल, एक होता है अबनॉर्मल, एक होता है इंटरनल, एक एक्सटर्नल होता है। तो इंटरनल में ये होता है कि जो घुटने होते हैं वो आपस में टकराते हैं, वो अनफिट होते हैं। जो ज़्यादा बाहर निकले होते हैं वो भी अनफिट होते हैं, और जो नॉर्मली होते हैं उनको फिट माना जाता है। इसलिए ज़्यादा बाहर निकलना भी उसके लिए ठीक नहीं रहता है, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो यही मैं कहूंगा इस मामले में, इससे ज्यादा डॉक्टर ही बता पाएगा। अगला क्वेश्चन किया था कि इसे कान के पर्दे का ऑपरेशन हुआ है, मेडिकल में क्या होगा। अगर आपके कान के पर्दे का ऑपरेशन हो चुका है और आपको अच्छे से सुनाई पड़ने लगा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपका ऑपरेशन कान का अभी मतलब जल्दी में हुआ है और आपको अभी सुनने में समय लगेगा या उसके लिए प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपने मेडिकल में जो है मेडिकल के समय आप ये एप्लीकेशन दे दीजिए कि सर मुझे 15 दिन का समय मिल जाए, या मैं जब फिट हो जाऊंगा तो मैं आपको मेडिकल दे दूंगा। उसमें आप ये कर सकते हैं, आप अपने आप को बिल्कुल सिक्योर समझिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिनके कान के पर्दे फट जाते हैं या फटे होते हैं तो उनका एक कान या दो कान से प्रॉब्लम होती है, तो उनको दिक्कत हो सकती है, बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और अब मैं बता दूं कि कुछ लोग कहते हैं कि सर मेरा जो है मेरे पीठ ज़्यादा मुड़ी हुई है और मेरा ये तो एक जनरल चीज़ होती है। देखिए, कुछ लोग खड़े होने का तरीका ही अलग होता है, कुछ लोग कैसे भी होता है। तो ये कुछ खास क्वेश्चन थे जिनके आंसर मैंने दिया आपको। अब मैं अभी आपके लिए और भी सारे क्वेश्चन जो आप पूछेंगे उनको मैं ऐसे ही एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा, और उस बारे में आप मैं कह रहा हूँ कमेंट करिएगा इस वीडियो में, तो उस क्वेश्चन को मैं लिख के आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे और आप को जो है मतलब बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए। इसके लिए मैं हूँ और मैं आपके लिए हमेशा यही दुआ करूंगा कि आप जल्दी जल्दी सक्सेस हो और जल्दी जल्दी ज्वाइन करें दोस्तों। फिलहाल के लिए अभी चलता हूँ, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।